दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम विश्व में पाए जाने वाली जनसंख्या कितनी है और अब तक उस जनसंख्या का जो धार्मिक आधार है यानी कि धर्म के अनुसार जो जनसंख्या कितनी कितनी है और कितने वर्गों में बटी हुई है इसका अध्ययन करेंगे और यहाँ पर एक नजर डालेंगे जिसपे कि हमें पता हो जाए कि हमारे विश्व की जनसंख्या कितनी है और हमारी इस पृथ्वी पर जनसंख्या जो रहती है उसमें कौन कौन से मुख्य धर्म है। तो दोस्तों जैसा कि विश्व में जनसंख्या का 2022 में जो अनुमान लगाया गया है उसके अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या जो है लगभग 800 करोड़ है, यानी कि हमारे इस संसार में लगभग 800 करोड़ पुरुष और महिलाएं रहते हैं और इन पुरुष और महिलाओं में कई धर्मों को मानने वाले हैं। तो धर्म के अनुसार हम देखते हैं कि हमारी इस पृथ्वी पर जनसंख्या कितनी है। तो हमारी इस पृथ्वी पर मुख्यतः जो है वो पांच धर्म हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। इन पांच धर्मों के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। बाकी अन्य भी धर्म है जिनकी संख्या सब 0 पॉइंट में है। तो हम यहाँ पर तीन धर्मों की बात कर लेते हैं कि हमारे इस संसार में सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो ईसाई धर्म को मानने वाली है और ईसाई धर्म को मानने वाली जनसंख्या जो है वो 238 करोड़ के लगभग है, यानी ये जनसंख्या लगभग 238 है और इसका जो प्रतिशत अगर निकाला जाए तो ये जनसंख्या 31% होती है, यानी कि हमारे इस संसार में सबसे अधिक ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं और इस संसार का अधिकतर जनसंख्या जो है वो ईसाई धर्म को मानती है, यानी कि हर तीसरा व्यक्ति जो है वो ईसाई है। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं कि मुस्लिम धर्म जो है मुस्लिम धर्म की जनसंख्या लगभग 191 करोड़ के आसपास है, 191 करोड़ और इनका प्रतिशत अगर देखा जाए तो ये 25% है, यानी कि हमारे इस संसार का हर चौथा आदमी मुसलमान है। जितने भी धर्म है उस धर्म में हर चौथा आदमी जो है वो मुस्लिम है। अगला है हिंदू धर्म। तो हिंदू धर्म में 116 करोड़ व्यक्ति लगभग हिंदू धर्म में है। तो हिंदू धर्म की जनसंख्या 116 करोड़ है और इसका प्रतिशत अगर देखा जाए तो वो 15% के लगभग है, यानी कि हमारे इस संसार में लगभग हर सातवां आदमी हिंदू है। तो दोस्तों अगला जो है बौद्ध धर्म है और बौद्ध धर्म के मानने वालों की जनसंख्या जो है वो 50.7 करोड़, यानी कि 0.7% है, यानी कि इसमें हर बारहवां आदमी जो है लगभग हर बारहवां आदमी बौद्ध है। वहीं दोस्तों यहूदी धर्म की जनसंख्या जो है वो 107 करोड़, यहूदी धर्म की जनसंख्या 1.7 करोड़, यानी कि 1.7 करोड़ के लगभग है, यानी कि ये लगभग 2.25 करोड़ जनसंख्या है और यहाँ पर इसकी जो कुल प्रतिशत अगर देखा जाए तो 0. इसका कुल प्रतिशत देखा जाए तो 0.2% जनसंख्या विश्व में यहूदियों की है। और सर्वाधिक वृद्धि जो इस समय हम देखें कि हमारे इस संसार में जो जनसंख्या के सर्वाधिक वृद्धि यानी कि सर्वाधिक तेजी से फैलने वाला धर्म कौन सा है जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक बढ़ रही है और तेजी से वो धर्म फैल रहा है तो वो धर्म है मुस्लिम धर्म। मुस्लिम धर्म यानी कि मुस्लिम धर्म की जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है इन अन्य धर्मों के अपेक्षा। तो संसार में मुसलमानों की जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, बाकी इनकी संख्या लगभग उसके आधे स्पीड से बढ़ रही है। तो दोस्तों ये है हमारे विश्व में जनसंख्या का प्रतिशत और इसी प्रतिशत के अनुसार हमारे देश में हमारे इस संसार में ईसाई धर्म को मानने वाले जो देश हैं वो अधिक हैं, उसके बाद में मुस्लिम धर्म को मानने वाले देश हैं। वहीं हिंदू धर्म जो है वो हर जगह फैला हुआ है और ये धर्म भी हर जगह फैला हुआ है। कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है, कोई देश ऐसा नहीं है जो कि हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाता हो या कोई देश यहूदी राष्ट्र हो। तो यहूदी राष्ट्र में इसराइल देश एक बन गया है जो कि फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया है। उसी देश में यहूदी और इसराइल देशों में जो है वो आपस में भिड़ंत हो रही है क्योंकि मुस्लिम लोग जो थे वहां पर उनके कब्जे में वो था और उस कब्जे से UNO ने यहूदियों को वहां रहने के लिए कुछ जगह दे दी और यहूदियों ने अपनी प्रोग्रेस करके यानी कि अपने पास हथियार औजार और आयरन डोम जैसे
औजार बनाकर और उन्हें विश्वास हो गया तो उनने फिलिस्तीन पर अधिक कब्जा कर लिया। तो उनका फिलिस्तीन पर जो कब्जा था उसी कब्जे को हटाने के लिए फिलिस्तीन के कुछ नागरिकों ने अपना जो है एक ग्रोह बनाया और अपनी स्थिति मजबूत करके इजराइल पर हमला कर दिया। और ये युद्ध जो है हमारे विश्व के लिए एक मुसीबत बनकर उभरेगा और देखते हैं कि इस युद्ध के बाद हमारे विश्व की अर्थव्यवस्था पर यानी कि हमारे विश्व के इस जो है जनसंख्या के स्ट्रक्चर पर क्या असर पड़ता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड धन्यवाद, गुड बाय।